कृष्ण का जो पूरा दर्शन है वो है निष्कामता का। तो वही यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये जो तुमने सब वेदों में कर्मकांड पढ़ लिया है ना अर्जुन, इसी से तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, विक्षिप्त हो गए, और इन सब से हट करके जब तुम निष्कामता में आ जाओगे तब तुम योगी कहलाओगे। निष्कामता का मतलब होता है हमें मतलब ही नहीं बहुत दुनियादारी से, जिस एक चीज़ से मतलब है उसको हमने पकड़ लिया है, हीरा मिल गया है, गांठ में बांध लिया है, बाकी चीज़ें हमारे लिए बहुत पीछे की हो गई है। निष्कामता के केंद्र में प्रेम बैठा हुआ है, प्रेम प्रेम साधना पड़ता है, प्रेम। का वीडियो देखती हूँ मैं हमेशा, और आपने बहुत लोगों को यही राह पे लगाया है, सत्य की राह पे। मैं भी बहुत महीनों से आपको सुन रही हूँ और ऐसे जीवन को देखने लगी हूँ अभी, विवेक थोड़ा थोड़ा जागृत होने लगा है, क्या सत्य है क्या असत्य है। तो ऐसा लग रहा है कि जीवन में ये माया जो है, अभी इधर बैठी हूँ बहुत शांत हूँ आपके साथ हूँ, लेकिन इधर से बाहर जाऊँगी तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहेगा, ऐसे ही घर पे भी होता रहता है, हमेशा होता रहता है। ये माया मोह के चक्कर में इतना हम लोग फंसे हैं, और सब आप भी बोल सब लोग बोलते हैं कि मैंने ऐसा समझा है, कितना आत्मसुख है, तो स्वात्मसुख है इतना नज़दीक है हमारे, वो आनंद सागर है, वो हमारे इतने नज़दीक है, फिर भी हम लोग क्यों ऐसा माया मोह में अटके हैं। वो आनंद सागर नज़दीक नहीं है, वो मिल ही गया है, उसी का नाम माया मोह है। किसने कह दिया कि आत्मा का कोई भी संबंध सुख से है? जब आप कहते हैं आनंद सागर, तो देखा है मन में कैसी अनुभूति होती है, मैं बताता हूं कैसी होती है। पहली बात, छोटे दुख से, छोटे सुख से बहुत बड़ा सुख, उसको आप नाम देते हैं आनंद का। और जो सुख हमें अभी तक मिला है वो दो चार बूंदें होती हैं, छींटे या बाल्टी भर के पानी अधिक से अधिक, उससे बहुत ज्यादा बड़े परिमाण में बड़े सुख को आप नाम देते हैं सागर का। तो जब आप आनंद सागर भी कह रहे हैं तो वो वास्तव में उसी सीमित सुख का एक बड़ा प्रदर्शन है जिससे आप सदा से ही लिप्त और आसक्त रहे ही हैं। हम जिसको सुख कहते हैं और हम जिसको आनंद कहते हैं, वो हमारे लिए एक ही आयाम की बातें हैं, उनमें हमारे देखे अंतर आयाम का नहीं, बस परिमाण का, मात्रा का, संख्या का है। थोड़ा सा सुख तो कह दिया सुख, और जब आनंद कहा तो भी कल्पना यही करी कि बड़ा भारी सुख। और थोड़े सुख की जब कल्पना करते हो तो साथ में मिलता है थोड़ा सा दुख, क्योंकि सुख दुख क्या है, साथ है। सुख दुख ऐसे ही है कि जैसे इस पर रोशनी पड़ रही है तो यहां रोशनी और यहां नीचे, तो थोड़े सुख की जब कल्पना करते हो तो उसके साथ में मिल जाता है थोड़ा सा दुख, और आनंद सागर की जब कल्पना करते हो तो फिर उसके साथ मिल जाता है विराट दुख।
इसलिए जो लोग आनंद सागर इत्यादि की कामना में रहते हैं उन्हें और बड़े दुख मिलते हैं, क्योंकि वो माया जाल में और गहरे फंस गए हैं। से ये सब लक्षणाएं थी, प्रतीक भर थे कि कह दिया आनंद सागर। हमने उसको ऐसा मान लिया जैसे सही में सागर जैसी कोई वृहद विकराल सुख की अनुभूति होने वाली है। बड़ी से बड़ी गलती ये की कि सुख को और आनंद को समानार्थी बना लिया। अध्यात्म कोई आनंद सागर नहीं देने वाला। हम होते कौन हैं आनंद सागर की मांग करने वाले? थोड़ा गौर से तो देखिए, हमें दुख सागर से मुक्ति मिल जाए यही क्या कम है? बोलो, 10 दिन का भूखा कोई घूम रहा हो और वो तुम्हें मिले, तुम कहो बड़ी खराब हालत है तुम्हारी हालत, 10 दिन से कुछ खाया नहीं। और वो बोले कि मार्गरीटा पिज्जा, एक्स्ट्रा चीज, और क्या क्या हो सकता है उसमें, एक्स्ट्रा हेल्पिंग ऑफ ऑलिव्स, जलेपेनो। तुम मुझसे कहोगे अरे धुरंधर, तुझे सूखी रोटी मिल जाए ये भी क्या कम है? छोटे मुंह बड़ी बात मांग क्या रहा है तू? तुम उसको कहो पानी पी ले, 10 दिन से भूखा भी है प्यासा भी, तो बोले नो, ट्रिपल रिफाइंड, मिनरल एनरिच्ड हिमालयन फाउंटेन वाटर, इससे नीचे नहीं चाहिए कुछ। ऐसी हमारी हालत है। कि बेचारा कोई मिले कबूतर इधर उधर घूम रहा दाने के लिए, और आप उसको थोड़ा चावल डाल दो, गेहूं डाल दो, तो कह रहा ये क्या देसी चीज है, आई वॉन्ट थाई फूड। अध्यात्म का उद्देश्य आपको किसी विशेष सुख इत्यादि का अनुभव कराना नहीं है। हम सुख की बात इसलिए करते हैं, समझिएगा, क्योंकि हम दुख के मारे हुए हैं। पर जब हम दुख से त्रस्त होकर सुख की बात करते हैं तो हम ये नहीं समझते कि सुख दुख से मुक्ति का नहीं बल्कि दुख का ही दूसरा नाम है। ये बड़ी सामान्य, बड़ी प्रचलित भूल है। हमें जब दुख आता है तो हम सुख मांगने लग जाते हैं इस कल्पना में कि सुख का अर्थ है दुख से मुक्ति, जबकि सुख दुख से मुक्ति नहीं है, वो दुख का ही दूसरा नाम है। अध्यात्म दुख से मुक्ति का नाम है, सुख की प्राप्ति का नहीं। इन दोनों में बहुत अंतर है। अध्यात्म दुख से मुक्ति का नाम है, सुख की प्राप्ति का नहीं। आनंद क्या है? जब दुख से मुक्त हो गए और सुखी भी नहीं हो, तब जानला आनंद है। अगर दुख से मुक्त हुए पर मिल गया सुख, तो जान लेना कि सांपनाथ से पीछा छूटा और नागनाथ मिल गया। अगर दुख से तो मुक्ति मिल गई
लेकिन दुख से मुक्ति के साथ मिल गया सुख। तो समझ लेना कि कैंसर से पीछा छूटा और एड्स लग गया, बधाई हो, आप कितने सौभाग्यशाली हैं। अस्पताल गए थे कैंसर छुड़ाने और लेके आ गए HIV। चढ़ाओ का खून ऊन कुछ। जब दुख भी छूट जाए और सुख का रोग भी ना लगे, तब जानना कि मिला आनंद। और वो आनंद अपरिमित होता है। उसके साथ कोई उपाधि कोई विशेषण मत जोड़ देना, मत कह देना आनंद सागर आत्म सुख इत्यादि, ये तुमने आनंद को भी दूषित ही कर डाला। सागर बड़ा होता होगा पर परिमित है ना, सीमित है ना। आनंद का कोई परिमाण नहीं होता, ना छोटा ना बड़ा। आनंद ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। तो तुम कहो आनंद बिंदु तो गलत कह रहे हो, और तुम कहो आनंद सागर तो भी गलत कह रहे हो। आनंद बस एक मुक्ति का नाम है, किसी तरह के अनुभव अवस्था या प्राप्ति का नाम नहीं है। कोई नहीं है जो आनंद अनुभव करता हो, पर गुरुओं के मुख से या अध्यात्म की किताबों में इस तरह की बातें अगर तुम पढ़ो कि ऐसा करके या ऐसा हो करके या ऐसा सुन के या ऐसा पढ़ के तुमको आनंद अनुभव होगा, तभी समझ लेना कि ये पुस्तक पढ़ने लायक नहीं, वो जगह बैठने लायक नहीं। जहां आनंद की चर्चा भी एक अनुभव के तौर पर होती हो, वो जगह अंधकार का अड्डा है। आनंद किसी किस्म का अनुभव नहीं है, अनुभवों से मुक्ति का नाम आनंद है। जो कोई बोले कि मैंने बड़े आनंद का अनुभव किया, उसको कहना अब तुम नींबू का अनुभव करो, उससे नशा उतरता है। हमें तनाव चाहिए ना उत्तेजना। सीधा सहज शांत मन रखने को हम तैयार ही नहीं होते, तो या तो हमें उत्तेजना चाहिए दुख के रूप में, या फिर हमें उत्तेजना चाहिए सुख के रूप में। अध्यात्म को भी हम किसी तरह की उत्तेजना की प्राप्ति का साधन बनाते हैं। तो हम कहते हैं कुछ अनुभव तो होना चाहिए ना मसालेदार। आनंद छाप मसाला पूरी तरह आध्यात्मिक है, जरूर खरीदें। तो बाकी सब मसाले इधर उधर के होते हैं, कोई चाट मसाला कोई मीट मसाला, उनको कह देते हो कि ये तो भौतिक मसाला है, नरक जाएंगे जो इसको खाएंगे। तुम मांगते हो आनंद मसाला, अध्यात्म की फैक्ट्री में तैयार, आहा क्या जायका है। तो घरों में जाओ तो जो जवान पीढ़ी होगी वो सुख दुख मसाला चाट रही होगी, और जो थोड़े बुजुर्ग लोग होंगे वो अध्यात्म छाप आनंद मसाला चाट रहे होंगे। पर बिना मसाले के कोई राजी नहीं है। सीधा सरल सात्विक मन किसी को नहीं भाता। मैं यहां पर दो तस्वीरें लगा दूं, एक बड़े भोगी आदमी की जो अभी अभी अपनी मनचाही वस्तु का भोग करके आया है,
और एक दूसरे आध्यात्मिक साधक की जो कह रहा है कि मुझे बड़े आनंद का अनुभव हो रहा है, तुम अंतर नहीं बता पाओगे, क्योंकि दोनों के ही चेहरे पर भाव एक ही है, मार लिया मैदान, आज मची है लूट, बढ़िया मिला, आहा छक करके पान किया है। एक है जिसका दावा है कि अभी अभी मुझे समाधि का अनुभव हुआ है, मैं फलाने पेड़ पर चढ़ गया था और पेड़ पर चढ़ने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कौन हूं और पेड़ कौन है, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं आदमी हूं कि पत्ती हूं कि फल हूं या पेड़ पर कौवा बैठा है, मैं वो हूं। थोड़ी देर को तो मैं पेड़ का कौवा हो गया और मैं उड़ने की कोशिश करने लगा। ऐसा बहुतों को आध्यात्मिक आनंददायक अनुभव होता है, तो उनकी शक्ल देखिए उस आनंदित अवस्था में कैसी होती है, कैसी होती है, जैसी अभी आपकी है। और उनके बगल में तस्वीर लगा दीजिए किसी महाभोगी की जो अभी कुछ भोग कर आ रहा है, एकदम बिल्कुल छक करके, चाहे मुर्गा मटन भोग के आ रहा हो, चाहे धन यश प्रतिष्ठा भोग कर आ रहा हो, चाहे स्त्री पुरुष की देह भोग कर आ रहा हो, उसकी शक्ल भी कैसी रहती है, क्योंकि हैं तो दोनों भोग की ही वस्तुएं ना, मसाला ही है। कसूरी मेथी या देगी मिर्च असली मसाले, सच सच। अब क्या फर्क पड़ता है कि कसूरी मेथी है या देगी मिर्च है, है तो वही। क्या फर्क पड़ता है कि आध्यात्मिक मुद्रा में वो भोग कर रहे हो या किसी और पाशविक दैहिक मुद्रा में भोग कर रहे हो, भोग तो रही हो। तो इसीलिए आनंद की प्राप्ति नहीं दुख से मुक्ति, आनंद की प्राप्ति आपको आपसे बाहर ले जाएगी और दुनिया भर के जंजाल में भटका देगी, क्योंकि प्राप्ति तो इधर ही कहीं है। तुम ये भी कहो कि मैं अपने भीतर जा रहा हूं प्राप्ति करने, तो अपने भीतर क्या, जब तुम कह रहे हो अपने भीतर जा रहा हूं तो तुमने इस काया को सर्वप्रथम मैं माना ना, तभी तो कहा अपने भीतर जा रहा हूं। तो अपने भीतर माने कहां जा रहे हो, खोपड़े के अंदर जा रहे हो, नाक के अंदर जा रहे हो, अपनी आत्म में घुस जाओगे, क्या करोगे, अपने फेफड़े में जाकर के प्लॉट खरीदोगे, अंदर माने कहां रहोगे, ये काम तो बैक्टीरिया का है, आंत में रहना, नाक के अंदर घुस के रहना, बड़ी गंदी गंदी जगहों में। और तुम भी यही कहते हो मैं अपने भीतर प्रवेश कर रहा हूं, टेपवर्म हो, दवा लानी पड़ेगी, फिर मल के साथ निकलोगे, कहां से निकले, अपने ही भीतर से निकले हैं। तो अपने भीतर भी प्रवेश करने का अर्थ क्या है, कभी कहते नहीं ना गुरुजन, बड़े आसानी सुना जाते हैं, वत्स अपने भीतर प्रवेश करो, और तुम घुस भी जाते हो, कहां कान से घुसते हो अपने भीतर, कैसे घुसते हो, धारणा ही गलत है ना। अपने भीतर प्रवेश करना माने अगर तुम आत्मा हो तो आत्मा के भीतर कोई कैसे प्रवेश करेगा, सेंध मारेगा, आत्मा को तोड़ा फिर उसमें घुस गए अंदर, क्या किया, कैसे प्रवेश किया अपने भीतर। अपने भीतर प्रवेश करने की धारणा ही तुम तब रखोगे जब सर्वप्रथम तुम अपने आप को शरीर मानो। तो तुम कहते हो मैंने आंख बंद करी और मैं भीतर घुस गया, तुम आंख थे क्या, तुम आंख से बाहर भागते थे कि आंख बंद करी और भीतर घुस गए, कौन हो तुम। पर नकली आदमी कभी इस मूल प्रश्न की चर्चा ही नहीं करेगा कि मैं हूं कौन, बातें और बहुत सारी, असली बात नहीं, मैं हूं कौन, मैं क्या वो हूं जो आंख से बाहर देख रहा है, मैं क्या वो हूं जो खाल के इस बोरे के भीतर कैद है, और अगर मैं वो सब नहीं तो
बाहर को जाऊं भीतर को जाऊं, बात तो एक ही है ना, ये शरीर भी तो संसार मात्र है। तो मैं पड़ोस के घर में जाऊं चाहे शरीर के भीतर जाऊं, जा तो मैं संसार में ही रहा हूं। ये शरीर क्या संसार से भिन्न है? नहीं। तो इधर जाना कि उधर जाना, चाहे इधर जाना, बात तो एक ही है। आनंद की प्राप्ति आपको कहीं ना कहीं बाहर को ही भेजेगी, चाहे भेज दे दाएं चाहे बाएं, और चाहे अंदर, अंदर भी बाहर ही है, आपके अंदर कुछ नहीं। जिसको आप कहते हो अंतर्गमन करना, वो भी वास्तव में बहिर्गमन ही है, अंतर्गमन जैसा कुछ नहीं होता। और आनंद की प्राप्ति की बातें छोड़कर अगर आप दुख से मुक्ति की बात करेंगी, तो फिर आपको ये प्रश्न पूछना पड़ेगा कि मैं हूं कौन जो दुख भोग रहा है, दुख किसको है, कहां से आया, ये प्रश्न असली है। आनंद की प्राप्ति का प्रयास बड़ा नकली उपक्रम है, दुख से मुक्ति की कोशिश बड़ी असली साधना है। आनंद की प्राप्ति की कोशिश मत करिए जबकि आप दुखी ही हैं। ऐसे में आनंद मिल भी गया तो वो एक चादर जैसा होगा, वो चादर जो आपने अपने ऊपर ओढ़ ली, अपने ऊपर आप कोई भी चादर ओढ़ लें आप बदल जाते हैं क्या? तो आनंद की चादर ओढ़ करके क्या मिलेगा? ये जो तुम दुखी बने बैठे हो, इस दुखी इकाई का और उस दुख का पर्दाफाश करो। झूठ के ऊपर सच बैठा के क्या मिलेगा? मिलेगा कुछ? सड़े हुए आलू के सैंडविच खिलाएंगी क्या अपने घर वालों को? ब्रेड बिल्कुल ताजी है, क्यों क्यों नहीं खिलाएंगी? ब्रेड तो ताजी है, वही तो दिख रही है, ब्रेड भी ताजी है, तेल भी ताजा है, आग भी अभी की है और बनाया भी अभी है, बस भीतर का आलू एकदम सड़ा हुआ है, क्यों नहीं खिलाएंगी घर वालों को? आनंद की प्राप्ति सड़े हुए सैंडविच जैसी ही है, ऊपर से तो ताजी ब्रेड और अंदर सड़ा हुआ आलू, अंदर जो हमारी सड़न है वो बनी ही रह जाती है, उसके ऊपर हम ताजा आनंद ओढ़ लेते हैं, क्या फायदा होगा? आनंद सागर को सुखाने की अपनी कोशिश के लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझे मालूम है कि हम बड़ी आशाओं बड़ी कल्पनाओं में रहते हैं, हमने बड़ी छवियां बना रखी होती हैं कि आनंद सागर में हम भी डुबकी मारेंगे और वहां पे और लोग भी मिल जाएंगे इधर उधर जिन्होंने डुबकी मार रखी है, कि डुबकी मारी जोर की, जैसे ही बाहर आए तो देखा उधर थोड़ा मीराबाई भी नहा रही हैं, हम पड़ोसी पड़ोसी हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। दुख से मुक्ति, स्वयं से मुक्ति, ये वो सागर है जिसमें कोई डुबकी नहीं मारता, इसमें मिट जाते हैं, जो मिट गया उसके लिए कौन सी बूंद और कौन सा सागर बताओ मुझे? पर उसमें भी हम बड़ी चतुराई कर जाते हैं, हम कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, मिट जाते हैं, हमने पहले भी सुना है, बूंद समानी समुद्र में अब किथे रच जाई, हमने भी सुना है। तो बूंद मिटी ना, बूंद मिट के सागर हो गई तो बढ़िया है, बढ़िया अच्छा। पहले बूंद बराबर अहंकार था, अब सागर बराबर अहंकार है, बढ़िया मिला अध्यात्म से, यही तो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 3 दिन लगाए बूंद से सागर होकर आए। सागर हो नहीं जाते हो, वो बात प्रतीकात्मक थी, तुम इतना ही याद रखो कि बूंद मिट जाती, मिटना याद रखो, ये प्राप्ति की भाषा ही गड़बड़ है।
कि हम सागर हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। जीवन भर तो पाने के लिए ही तड़पे हो ना। अच्छा एक बात बताओ, ये रुमाल ही पाना हो ना मिले तो कितनी तड़प उठेगी? जल्दी बोलो, थोड़ी सी। ठीक है, ये गमला पाना हो ना मिले तो कितनी उठेगी फिर? थोड़ी ज्यादा। ये कैमरा पाना हो और ना मिले तो फिर कितनी तड़प उठेगी? एक मकान पाना हो ना मिले तो कितनी उठेगी? काफी ज्यादा। और आनंद सागर ही अगर पाना हो और ना मिले तो कितनी उठेगी? मार ही डालेगी। तो तुम देख रहे हो ना, तुम क्या कर रहे हो अपने साथ? जितनी बड़ी तमन्ना उतना बड़ा दुख। इसीलिए अध्यात्म दुख से निवृत्ति की जगह दुख का कारण बन जाता है। वो तुम्हारे भीतर और बड़ी बड़ी हसरतें पैदा कर देता है, जो कि आपके प्रश्न में भी परिलक्षित हो रही थी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, पर आनंद सागर का अनुभव क्यों नहीं होता? ले आ गया आप जिंदगी में बड़े से बड़ा दुख, सागर समान दुख। हम यही देख लें कि हम कहां मात खा रहे हैं तो काफी है। दिनचर्या को देखिए अपनी, इतनी सरल, इतनी सहज साधना है। सुबह से लेकर रात तक क्या करते हैं इसको देखिए ईमानदारी के साथ। और नहीं कुछ करना है, किसी पैतरेबाजी की, किसी क्रिया प्रक्रिया विधि की, किसी मुद्रा की कोई आवश्यकता नहीं है। या अगर उनकी आवश्यकता पड़ेगी भी तो तब जब पहले आपको ये तो पता हो कि आपकी बीमारी क्या है, मर्ज क्या है। मर्ज का पता चल जाए फिर दवा की बात हो सकती है। अगर रोग का ही नहीं पता तो इधर उधर की दवाइयां आजमाने से क्या लाभ? दुख से मुक्ति के लिए सर्वप्रथम दुख की पहचान जरूरी है। ठीक, दुख को पहचानिए, क्या है, कहां से आता है और किसको आता है। दुख को पहचानिए। ठीक, दुख के पल को जबरदस्त चेतना का पल बना लीजिए। दुख उठा नहीं कि 10 तरह के अलार्म बज जाएं, अभी अभी कुछ हुआ। और दुख के तमाम नाम हैं, निराशा, ईर्ष्या, तुलना, अपेक्षा। उन सब में साझी बात यह है कि भीतर खलबली मचती है। उस खलबली से ही पहचानिए दुख को। दुख माने भीतर खलबली मच जाना। जहां खलबली मची नहीं कि तहां पहचानिए कि अभी अभी कुछ हुआ। यही साधना है। खलबली को ही विधि बना लीजिए। भीतर की खलबली को काटने की विधि किसको बना लेना है? खलबली को ही। लो अब कोई विधि चाहिए ही नहीं। ये ऐसा है जैसे किसी बंद डब्बे में आग लगे। डब्बा बंद है, पूरी तरह बंद है, और भीतर उसके कुछ रखा है, लकड़ी, कागज वगैरह। उसमें आग अगर लग भी गई भीतर तो आग ही आग को बुझाने का कारण बन जाएगी। आग उसमें अगर भीतर लग भी गई तो आग ही कारण बन जाएगी आग को बुझाने का। क्यों? क्योंकि आग लगेगी तो आग ही ऑक्सीजन सब पी जाएगी।
आग ने ही ऑक्सीजन को पी लिया, जब ऑक्सीजन ही नहीं बचा तो आग कैसे बचेगी। ऐसा कर लेना है मन को कि दुख ही दुख से मुक्ति का कारण बन जाए। और वो तभी होगा जब दुख के समय आप सुख की ओर न भागे बल्कि दुख में ही निर्भय होकर प्रवेश कर जाएं कि ये क्या हुआ।